हाई ऑल्सो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक की। पहली चीज तो डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक होता क्या है, ये क्या करता है, मल्टीपल बोगस डिस्कवर मैसेज भेजता है। काले लिनक्स क्या करता है, बोगस मैक एड्रेस बना देता है और हर मैक एड्रेस के मैसेज के आधार पर हर डिस्कवर मैसेज भेजता है मल्टीपल, विद इन अ मिनट ये भेज देता है हंड्रेड ऑफ बोगस डिस्कवर मैसेज। ये अटैक पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि भाई ये होता है क्या, डीएचसीपी कैसे काम करता है, इसके बारे में समझते हैं। डीएचसीपी कैसे काम करता है, जैसे मेरे कंप्यूटर में है अभी आईपी मिल रहा है डीएचसीपी से, कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ मैं, आईपी कॉन्फ़िग, मैं देख रहा हूँ कि मेरे को आईपी मिल रही है 192.168.1.5। डीएचसीपी से ही मिल रही है या कैसे मिल रही है ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से, कि भाई यहाँ डीएचसीपी सर्वर है 192.168, इससे मुझे आईपी मिल रही है कौन सी 1.5। ये मुझे आईपी कैसे मिली, इसकी एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस में चार स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डिस्कवर, देन ऑफर, देन रिक्वेस्ट, देन एक्नॉलेज। सो जैसे मैं आपको यहाँ पे वायरशार्क चालू करके बताता हूँ कि भाई एक एक स्टेप कैसे काम करता है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इस आईपी को रिलीज कर देता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज। अब क्या हो गई, जो मेरी आईपी थी वो चली गई। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू कमांड चलाता हूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पे अब भी वो प्रोसेस दिखनी चाहिए कि भाई क्या प्रोसेस हुई आईपी। ओके, पहली कमांड चलाई मैंने रिलीज, तो रिलीज हो गई आईपी, देन डिस्कवर, देन ऑफर, देन रिक्वेस्ट, देन एक्नॉलेज। सो ये क्या हुई, एक पूरी प्रोसेस हुई टू गिविंग एन आईपी एड्रेस टू ए सिस्टम। ओके, लेट मी अगेन, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इसका ताकि आपको समझा सके। ओके, ये तो पहली रिक्वेस्ट क्या गई मेरी, मेरे कंप्यूटर ने एक रिक्वेस्ट भेजी जो थी डीएचसीपी डिस्कवर। ओके, ये थी मेरी पहली रिक्वेस्ट डीएचसीपी डिस्कवर। इस मैसेज में क्या गया, इस मैसेज में गया सोर्स आईपी गया 0, डेस्टिनेशन गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और सोर्स मैक एड्रेस मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस 12 टाइम F, जो कि 12 टाइम F होगा वो हो गया। मेरे सर्वर ने रेस्पॉन्ड किया, ये रहा मेरा सर्वर, इस सर्वर ने मुझे रेस्पॉन्ड किया कि भाई तुम्हें जो आईपी देंगे वो हम ये देंगे 192.168.1.5, ये तुम्हारे लिए मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये आईपी मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ। फिर ये अगेन क्लाइंट बोलता है कि ठीक है भाई, जो आईपी मुझे ऑफर करी है वो मुझे आईपी दे दो, देन दिस आईपी विल बी हैंड ओवर। देन क्या करेगा, एक्नोलेज करेगा सर्वर के भाई आई ऑलरेडी वट एवर यू आईपी, जो भी आप आईपी आपने मांगी वो मैंने दे दी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होगी। अब क्या करते हैं डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक, मैं क्या करता हूँ, हंड्रेड ऑफ डिस्कवर मैसेज जनरेट करता हूँ कि भाई जैसे ही मेरे पास मैसेज आएगा कि भाई हर डिस्कवर मैसेज को डीएचसीपी तो आईपी देगा, उसके पास तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको क्या करेगा, ऑफर करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काले लिनक्स के थ्रू एक अटैक लॉन्च कर सकता हूँ जिसको बोलते हैं डीएचसीपी स्टारवेशन अटैक। ओके, इस ये अटैक क्या करेगा, ये भेजेगा हर मिनट में 100 मैक एड्रेस भेजेगा, 100 डिस्कवर मैसेज भेजेगा, 100 डिस्कवर मैसेज भेजेगा मतलब 100 आईपी देनी पड़ेगी डीएचसीपी सर्वर को। अगर 100 आईपी हैंडओवर कर दी तो आपके मान लो एक पूल जो डीएचसीपी में जो एक सबनेट होता है जिसको हम पूल बोलते हैं, जिसमें यूजुअली 253 आईपी होती है, एक गेटवे की मान लो, एक रिजर्व मान लो, तो 253 या 254 आईपी होती है टोटल। अगर 254 आईपी पूरी हैंडओवर कर दी तो फिर क्या होगा,
उसके पास कोई आईपी देने के लिए नहीं बचेगा, कोई आईपी बाकी नहीं बचेगा, तब क्या करेगा अटैकर अपना डीएचसीपी सर्वर लगाएगा। ठीक है, एक बार उस डीएचसीपी सर्वर की सारी आईपी ले ली, फिर उसने अपना डीएचसीपी सर्वर लगाया। अब जब वो डीएचसीपी डिस्कवर का रिक्वेस्ट आएगा तो वो क्या देगा, ये वाला क्लाइंट इसको आईपी देगा, सॉरी ये वाला सर्वर उसको आईपी देगा, जो कि बोगस डीएचसीपी सर्वर सर्वर है या फेक डीएचसीपी सर्वर है। अब क्या करेगा, ये मैन इन मिडिल अटैक लॉन्च कर देगा। अब जो भी ट्रैफिक जाएगा इसके थ्रू जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, मैन ऑन मिडिल अटैक है। इससे कैसे बचा जा सकता है इस टाइप के अटैक से, इसलिए इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी का क्या करता है, ये लिमिट करता है, लिमिट द नंबर ऑफ मैक एड्रेस स्विच कैन लर्न ऑन ए पर्टिकुलर इंटरफेस, दैट व्हाट इट डज पोर्ट सिक्योरिटी। सो पहले हम देखेंगे भाई कैसे हम अटैक को लॉन्च करते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई इसको लॉन्च कैसे करें, चलो लॉन्च करके देखते हैं और आगे की। ओके, तो जैसा कि मैं अभी राउटर का कंसोल ले रहा हूँ डीएचसीपी सर्वर का, ओके, जो कि इस केस में मेरा राउटर मेरा डीएचसीपी सर्वर एक्ट कर रहा है, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। यहाँ पे मुझे देख रहा है अभी, तो एक तो मेरा खुद का लैपटॉप है, इसका इसका इसको आईपी दे रखी है, ओके, इसको आईपी दे रखी है 5, और एक दे रखा है काले लिनिक्स जिससे मैं अटैक करूँगा उसको आईपी दे रखी है। तो काले लिनिक्स का मैं रिमोट लेता हूँ, ओके, इसकी आईपी देखनी हो मुझे, इसकी आईपी है, ओके, इसकी आईपी 192.168.1.3, और दो ही आईपी हैंड ओवर कर रखी है किसने, सर्वर ने, डीएचसीपी बाइंडिंग से देख सकते हैं। अब क्या करूंगा मैं, एक अटैक, एक यर्सीनिया टूल है काले लिनक्स में जिससे आप ये अटैक लॉन्च कर सकते हैं, यर्सीनिया। तो मैं अटैक लॉन्च करने के लिए सुडो यर्सीनिया कैपिटल जी ये लगता है मुझे रूट से जाना पड़ेगा, सुडो यर्सीनिया आइपन कैपिटल जी, ओके, ये प्रॉम्प्ट खुल गया, ये इसका जी का मतलब ग्राफिकली मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। लॉन्च अटैक कौन सा करना है, डीएचसीपी करना है, मुझे क्या भेजनी है, डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज भेजने हैं, ओके, 100 of 1000 of डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। अब ये क्या कर रहा है, डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज भेज रहा है, ओके, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इसका वॉइस आर्क ओपन करके, यू सी कितने एक साथ डिस्कवर मैसेज आ रहे हैं। अब हर डिस्कवर मैसेज का क्या करेगा, वो एक आईपी देगा डीएचसीपी सर्वर। तो देखते हैं डीएचसीपी सर्वर को खोल के क्या है ये, डीएचसीपी शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, सी देखा कितने एक मिनट में कितने डुप्लीकेट मैक एड्रेस आ गए। तो ये अभी एक मिनट में इसको क्या कर देगा, इस पूल को एग्जॉस्ट कर देगा, फिर कोई आईपी नहीं बचेगी उसको देने के लिए, फिर क्या करेगा कोई अटैकर अपना डीएचसीपी सर्वर लगाएगा नेटवर्क में और वो आईपी देगा, फिर क्या करेगा सारा ट्रैफिक तो उधर से ही जाएगा क्योंकि उसने क्या किया अपने आप को डीएचसीपी सर्वर डिक्लेयर किया है। सो शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, ये क्या है बढ़ रही है, अभी एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरा पूल, सी इंक्रीजिंग इट इंक्रीजिंग, ओके। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, दैट्स ओनली सॉल्यूशन पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी में क्या कर सकते हैं, हम लिमिट कर सकते हैं कि हाउ मेनी मैक एड्रेस कैन ए पोर्ट, ए पर्टिकुलर पोर्ट कैन लर्न। सो लेट्स आई एम चेंजिंग द कंसोल, इश्यू आई पी डी एच सी पी बाइंडिंग, ओके,
यू सी 135 तक हैंड आउट कर चुका है, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस अटैक को लॉन्च, इस अटैक को स्टॉप कर रहा हूँ। ओके कहाँ गया, चलो नेक्स्ट। sudo erc capital g okay, बोला लिस्ट अटैक किया, अभी कोई अटैक नहीं चल रहा है, बंद हो गया वो ऑलरेडी क्योंकि मैंने क्लोज कर दिया था शायद। ओके सो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, अभी अटैक लॉन्च हो गया है सर। और अब मैं वापस इसको देखता हूँ, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। ऑलमोस्ट पूरे आईपी, अब मैं एक बार इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग डायनामिक। ओके क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग स्टार, स्टार से क्या होता है, जितनी भी एग्जैक्ट इस टाइम बाइंडिंग है वो बाइंड हो जाएगी। अब वापस देखता हूँ, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। ओके लेकिन अभी भी वो अटैक चल रहा है क्योंकि एक बार ऑलरेडी आ गया है, जो ऑलरेडी डिस्कवर में से चले गए वो है, तो एक मिनट में शट डाउन कर देता हूँ उस इंटरफेस को, देन नॉट शट डाउन, देन क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग शो आईपी क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग अभी भी चल रहा है। चलो इसी बीच हम स्विच का कंसोल लेके चेक करते हैं कि भाई स्विच पे हम कैसे इसको पोर्ट सिक्योरिटी के थ्रू कैसे हम रोक सकते हैं। ये मेरा स्विच है, इस पे जिस पे काले लिनक्स बॉक्स लगा है ना, उसको उस पे मुझे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी पड़ेगी। तो पहले मुझे ये देखना है कि उसका आईपी क्या है। इफ कॉन्फिग ओके, इसका मैक एड्रेस है ये वाला, ये वाला। सो कहाँ, शो आईपी मैक एड्रेस, शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेस, यहाँ पे भी इसकी बहुत सारी एंट्री दिखेगी क्योंकि 0/3 है, इसका मतलब 0/3 से मुझे आ रहा है। ओह माय गॉड, कितनी सारी बोगस मैक एड्रेस जनरेट कर दी इसने। तो यहाँ पे भी हम एक बार इसको भी क्लियर आउट करते हैं। क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक इंटरफेस फास्ट इथरनेट, कौन सा था, 0/3। ओके शो मैक एड्रेस टेबल अभी भी बहुत आ रहे हैं, शो क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक वीलैन 1।
show MAC address table. लगता है वो टेक रुका नहीं, अभी भी चल रहा है, इस वजह से तो नहीं हो रहा है कहीं. डायनामिक ओके. शो मैक एड्रेस टेबल. इसने बहुत सारे मैक एड्रेस पुश कर दिए. माय गॉड. ओके मैं शट डाउन करके करना पड़ेगा. कंप्यूटर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 शट डाउन नो शट डाउन. क्या किया मैंने इस इंटरफेस को. क्लियर क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक शो मैक एड्रेस टेबल. क्लियर मैक एड्रेस टेबल वीलैन इंटरफेस. क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक वीलैन 1 शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेसेस. Still lot more. So it's taking longer than usual to clear its table. Clear MAC address table. Dynamic interface first Ethernet 0/3. VLAN 1. Show MAC address table. Dynamic clear IMAC address table dynamic addresses. राउटर का कंसोल लेके देखता हूँ इस पे कितने आ गए. ओके इस पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर देता हूँ पहले. इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी. ये है इस कमांड को इनेबल करने के पहले. तो ये डायनेमिक में नहीं होना चाहिए. स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम maximum. Okay, you know, see there is still maximum 2 switch port port security violation kya hona chahiye. Interface ko shutdown mode mein dal do if violation occurred. So ab main clear MAC address table clear MAC address table address table dynamic all VLAN 1 show MAC address table. Okay अब आ रहा है केवल एक MAC address और 0/3 को क्या डाल दिया show port security
वायोलेशन में डाल दिया है इसको, शट डाउन सिक्योरिटी वायोलेशन वन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 शट डाउन नो शट डाउन. नाउ लेट्स सी इफ देयर इज एनी मैक एड्रेस. इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट okay because it's still generating a take. ओके अब मैंने स्टॉप कर दिया है. शो पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे वायोलेशन स्टिल वन कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 नो शट डाउन स्विच पोर्ट मोड पोर्ट कुछ स्पेनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कर देता हूँ. शो आईपी राउटर पे देखता हूँ शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग. ओके उस पर अभी भी अटैक हो रहा था, वो यार सीनियर टूल चालू थी इस वजह से. अब क्या करूँगा मैं, यार सीनियर को कम्प्लीटली शट डाउन कर दूंगा, आई मीन कम्प्लीटली इसकी क्लियर डीएचसीपी बाइंडिंग करके देखते हैं. उसके बाद देखते हैं ये क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग स्टार, इसका मतलब सारी डीएचसीपी की जो भी है वो चला गया है डीएचसीपी बाइंडिंग. ओके अभी कोई आईपी नहीं है, मेरे इवन मेरे लैपटॉप को भी आईपी नहीं होनी चाहिए. सो मैं इसको करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज एंड आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रीन्यू. ये क्या करेगा, मेरे को नया आईपी दे देगा. अब देखते हैं शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग. ओके मुझे आईपी मिल गई 1.5. अब मेरे काले लिनक्स का बॉक्स अभी भी है जिस पे आईपी नहीं मिली है, तो देखता हूँ इफ कॉन्फ़िग अभी भी आईपी नहीं मिली है क्योंकि अभी भी ये वो वायोलेशन में है, तो उसको अब वायोलेशन करते हैं रिमूव. शो मैक एड्रेस टेबल ओके अभी कोई एक्स्ट्रा मैक एड्रेस नहीं आ रहा है. अभी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 नो शट डाउन स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम को मैं बढ़ा के 5 कर देता हूँ, मैक्सिमम 5. शो पोर्ट सिक्योरिटी ओके सिक्योरिटी वायोलेशन वन अकर्ड शट डाउन नो शट डाउन शो मैक एड्रेस टेबल Still there is violation occurring.
ओके okay. लेकिन अब क्या है, जब तक वायोलेशन अकर्ड रहेगा ये उस इंटरफेस को अपने ही आने देगा. आई होप दिस इज़ बेनिफिट फॉर यू. क्या किया है हमने, ये सीनियर टूल के थ्रू एग्जीक्यूट किया है, लेकिन वो बैक एंड में मेरे अभी भी चल रहा है ये सीनियर. इस वजह से वो कंटिन्यूसली मैक एड्रेस भेज रहा है, तो इसलिए वो पोर्ट अभी भी सिक्योरिटी वायोलेशन में है. और इशो आई पी डी एच सी पी सॉरी शो पोर्ट सिक्योरिटी ओके वायोलेशन स्टिल इज वन. ओके सो दिस इज हाउ वी एग्जीक्यूट अ वेरी सिंपल अटैक एंड इट कैन लीड टू अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग.